कि खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में कभी आदिवासी मूलवासी की चिंता नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। वर्तमान सरकार राज्य के हर एक शख्स की विकास की चिंता में लगी है और इसके लिए जरूरतमंदों को सरकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खतियानी जोहार यात्रा के जरिए आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। जारी है खतियानी जोहार यात्रा, तीसरे चरण में लातेहार में हॉल्ट। लातेहार के खेल स्टेडियम में खतियानी जोहार यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया और वर्तमान सरकार की विकास योजनाएं गिनाई। साथ ही झारखंड के पिछड़ेपन के लिए पिछले 20 साल तक राज्य में रही डबल इंजन की सरकार पर ठीकरा फोड़ा। कि जो लोग गुजरात को चलाता है, जो लोग महाराष्ट्र को चलाता है, जो लोग देश को चलाता है, वही लोग इस राज्य को चलाता था। 20 साल तक यहां के लोगों के हक अधिकार को भी छीनते हैं और उनका शोषण भी करते हैं। तो आज गुजरात क्यों आगे चला गया, महाराष्ट्र क्यों आगे चला गया, झारखंड काहे पिछड़े रह गया? आज हमारे उन पूर्वजों का संघर्ष ही हमें यहां आज बचा के रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर झारखंड सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। ये लोग सपना भी देखते हैं और षड्यंत्र भी रचते रहते हैं कि रोज सरकार गिराएंगे और कुर्सी में बैठेंगे। राजनीतिक रूप से नहीं सकता है तो संवैधानिक संस्थाओं को लगा देता है, कोर्ट कचहरी करके हम लोग को उलझाने का प्रयास करता है। राजनीतिक रूप से तो हम लोग धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, लेकिन ये मजबूती इनको पच नहीं रहा है और एन केन प्रकार यहां के आपकी ये सरकार को उतारने में लगा है। इनके मंत्री खुद केंद्र मंत्री आके बोलते हैं कि यहां का नेता लोग हमको बोलता है सरकार गिरा दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले योजनाएं कागज पर बनती और दम तोड़ देती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में योजना कागज पर बनने के बाद धरातल पर दिख रही है। इसी वजह से सरकार खतियान आधारित नियोजन नीति लाई, लेकिन हमारे इरादों पर पानी फेरने की कोशिश हुई है। तो हमने खतियान आधारित नियोजन नीति बनाया, ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया, लेकिन ये सब ये लोग बोलते हैं असंवैधानिक है और हम लोग बनाते हैं तो राज्यपाल उस पर कानूनी कार्रवाई करके वापस भेज देता है। ये असंवैधानिक है, विवाद पैदा होगा। अरे वाह, गरीब जो मांगे वो विवाद, अमीर जो मांगे वो संवैधानिक। खतियानी जोहार यात्रा अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए हमने खतियान को आधार बनाया ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें चतरा और लातेहार की विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की जानकारी ली, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ कितने लोगों तक पहुंचा इसकी भी रिपोर्ट ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दोहराया कि 2023 इंप्लीमेंटेशन का साल है, लिहाजा समय पर लोगों को योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को अधिकार देने में पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लिहाजा पदाधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जल जीवन मिशन समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभिन्न योजनाओं से संबंधित पदाधिकारी योजनाओं को लागू करने में उत्तम क्वालिटी सुनिश्चित न किए जाने पर कार्रवाई होगी। जिले का समीक्षा किया गया, जिला स्तरीय विभिन्न योजनाओं का, विभिन्न परियोजनाओं का, कुछ चीजें अच्छी है लेकिन कुछ चीजें थोड़ी लगती है इसमें और उसको थ्रस्ट देने की आवश्यकता है और कुछ तालमेल का कहीं कहीं अभाव दिखता है, उन सबको तालमेल बैठाने का निर्देश दिया गया है। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, समय सीमा के अंदर पदाधिकारी काम करें, अन्यथा कार्रवाई करने के लिए भी वो तैयार है। बता दें कि खतियान जोहार यात्रा का पहला चरण 8 से 16 दिसंबर तक चला था, जबकि दूसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 से 31 जनवरी तक कई जिलों का दौरा किया। वहीं खतियानी जोहार यात्रा का चौथा चरण अप्रैल महीने में आयोजित किया जाएगा, जो मई तक चलेगा। कामरान, जी मीडिया, लातेहार।
1989 बैच के